छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम में 1 से 5 नंबर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कंटिन्यू करिएगा, इसके बाद हम प्रयोगशाला परिचालक के कंटिन्यू क्लास लेकर आएंगे। जो आर्थिक सर्वेक्षण है आप 2023-24 में इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो 1 LR भी क्वेश्चन कराऊंगा। और सबसे टॉपिक यह है कि इस एग्जाम में जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, जो आपके CGPSC व्यापम में हर एक बार पूछा जाता है। आगामी एग्जाम हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला परिचालक के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है? और जो जो टॉपिक है आपको मैं बताते चलूंगा। और आप लोग सबसे पहले तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ में आप लोग कॉपी पेन रखिएगा, यानी कि नोट्स अपना रखिएगा। जो जो टॉपिक आपको बताने वाला हूँ उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे से, है ना? तो इकोनॉमिक सर्वे से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? तो मैं जो जो बताते चल रहा हूँ उसको नोट करना। जो अपडेट है 2011 के जनगणना के अनुसार तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन अभी जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ 2021 के अनुसार, अभी जो फॉरेस्ट सर्वे है 2019 में, उनको अपडेट किया गया है 2021 के सर्वे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ का वन आवरण था उसको अभी 2021 में अपडेट किया गया है, ठीक है? अभी फिलहाल चल रहा है 2023-24। तो पूरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं और अपना नोट्स रख लीजिएगा, जितने भी अभी मैं आपको पूरा डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक वीडियो को अपना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो मैं शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए हम इसको छोटा कर लिए हैं और आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए फटाफट आ जाइएगा। हाँ, अब देखेंगे ये जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है? जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन अपडेट रहिएगा, ठीक है? अपडेट। तो चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जो साक्षरता दर है ये 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है हमारा, वह है आपका 70.3%। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर है 70.3% है, उसी प्रकार इज ऑफ डूइंग रिपोर्ट 2019 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था, तो आपका छठवां, ठीक है? राज्य में शिशु मृत्यु दर 2022 में कितनी थी, 38, इसको याद रखना, ठीक है? छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य के कितनी राशि है जो दुकानों को संचालित है, तो ये आपका से सर्वे 13,507, ठीक है? लेकिन आप देखिए मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, नोट करते चलेगा एक एक टॉपिक, है ना? ये है 2011 और 2023 के सर्वे के अनुसार, लेकिन हाल ही में देख सकते हैं आपका, मैं आपको डेट भी दिखा रहा हूँ, ये 2 नवंबर को जो हमारा क्लास चल रही है, ठीक है? मैंने आपको कल कहा था कि 2 नवंबर से हमारी क्लास कंटिन्यू बनेगी। प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, ADO आगामी एग्जाम के लिए, CGPSC प्री के लिए या जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण है काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपडेट के साथ हम आपको क्लास कंटिन्यू कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2022-23 में कितने लाख धन, यानी कि जो है आपका 2022-23 में जो लाख मैट्रिक टन धन का समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, तो 107.53, इसको याद रखना है, एकदम करेक्टली पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है? और जो अपडेट कराऊंगा उसको नोट करते चलिएगा, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। और जो टॉपिक है, जितना भी अभी जो आंकड़ा दिया गया है वो आपके कंटिन्यू रहता है, एक एक पॉइंट आपका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, करेंट है, अपडेट है, मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ, ठीक है? तो एक बार समझते चलिएगा, 2022-23 में जो कितने लाख मैट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य खरीदा गया है पूछेगा, तब 107.53 बताइएगा। अगर लक्ष्य रखा गया है अगर पूछेगा तो आप कितना कहेंगे, 107.53 मिलियन टन, लेकिन 2022-23 में, है ना?
अब देखिएगा इसका आपका आ जाएगा 2023-24 में, तो 110.5 मिलियन टन, ठीक है 110, इसको याद रखना। इसके बाद है आपका ये वाला टॉपिक, एक बार याद कर लेना, कृषि क्षेत्र में वर्ष 2012-13, वर्ष 2022-23, ये है ना, ये 23 है आपका, ठीक है ये आपका 23 है। तो देखिए क्षेत्र में 2012-13 से 2022-23 में औसत वृद्धि दर, ये टॉपिक आपको नोट करवाने वाला हूं। अभी मैं डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊंगा, पहले ये अपडेट कर लीजिएगा, पुराना अपडेट आपको नहीं पढ़ना है। देखिए ये तो है 2022-23 को 5.21%, यानी 5.21% दिया गया है, लेकिन ये अब अपडेट हो चुकी है तो 2023-24 में, ठीक है 2023-24 में, ठीक है 2023-24 में, एक मिनट थोड़ा सा ना, 2023-24 में आपका हो जाएगा ये 2023-24 में आपका आंकड़ा है आपका 5.73%, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है बिल्कुल फ्री रहेगा निशुल्क के साथ, लेकिन जो अपडेटेड है उसको अपडेट कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी कृषि उपज मंडी है, तो याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, और मंडी निरीक्षक मंडी का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जो सांख्यिकी लेवल कृषि विभाग के अंतर्गत, ठीक है वो इसका आ जाएगा 69, याद रखना कितना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको कितनी कृषि उपज मंडी है पूछा जाएगा, तो 69। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, 7 दिया गया है, कितनी है 7 केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, तो 2058, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार हम उनको क्लास करा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण का प्रतिशत कितना है, तो 2011 के अनुसार कभी भी एग्जाम में पूछता है, अभी देखिए 2023 के अनुसार अगर आप जनगणना पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमेशा 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, याद रखना। तो कितना है 23.24, याद रखना कितना है 23.24। अगर छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु में लिंग अनुपात पूछा जाएगा 969, अगर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर है 2011-12, ठीक है। अब जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ अभी हाल ही में, देखिए समर्थन मूल्य अभी एमएसपी दर, यानी कि जो है धान की खरीदी अभी 1 नवंबर यानी कि कल से प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपका चेंज किया गया है 2023-24 में, तो मैं आपको बताऊंगा, सब्र रखिएगा, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का आकलन कौन करता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, इसको नोट कर लीजिएगा। थोक मूल्य सूचकांक का जो आकलन है आपका कौन करता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अब इसको छोड़ दीजिएगा ये टॉपिक, अब यहां से समझिएगा, इसको नोट करते चलिए, एक एक बारीकी से आपको आंकड़ा समझाऊंगा डायग्राम के अनुसार, ठीक है। तो देखिए यहां पर छत्तीसगढ़ में यहां पर धान का जो है समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल था 2023-24 में, अब यहाँ पर 23-24 में पूछा जाए, यानी कि 1 नवंबर से अभी हाल ही में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है आपका कितना हो गया, धान ग्रेड ग्रेड का एक नहीं धान ग्रेड ए का पूछ रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2040 से आपका 2183, ठीक है 2183, जबकि छत्तीसगढ़ में ये इसको याद रखिए ग्रेड ए का, ग्रेड ग्रेड ए का अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 2203 रुपए, और कितना खरीदा जाएगा 20 कुंटल, कितना 20 कुंटल अभी खरीदा जाएगा 1 नवंबर से, है ना। पहले कितना खरीदा जाता था 15 कुंटल, है ना। अब छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब देखिए
मक्का का भी समर्थन मूल्य अभी बढ़ चुका है, इसको याद रखना, अपडेट कर लीजिएगा। 2022-23 में क्या रहा था, तो 1962 प्रति क्विंटल था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया है तो इसको ध्यान से समझिएगा। जो छत्तीसगढ़ में जो मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो आपका कर दिया गया है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट किया था, एक मिनट आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तीन हजार से ऊपर है, एक मिनट ना, इसको मैं अपडेट अभी करा रहा हूं ना, 3,000 से ऊपर है। कितना है, तो 3,000 से ऊपर है इसका, 3,000 से ऊपर है। ठीक है, अब देखिए, ये गेहूं का समर्थन मूल्य 2023-24 के अनुसार 2,125 क्विंटल है रबी मुड़न, पूरा अपडेट कराऊंगा। ठीक है, आप देखते हैं वर्ष 2022-23 में राजस्व आय में कितना है, तो 701.64 करोड़ रुपए, इसको याद कर लेना। देखिए ये 2011 मतलब सॉरी 2 नवंबर 2023 को, यानी कि आज ही की क्लास है। बैंकिंग क्षेत्र 2022-23 में सकल राज्य यानी कि सरकार द्वारा राज्य घरेलू उत्पाद में GSDP में कितना प्रतिशत भागीदारी है, तो इसको नोट करना, 4.98%। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य में कृषक परिवार की संख्या कितनी है, तो 40.10 लाख कृषक परिवार है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी इसका PDF आपको मिल जाएगा, बल्कि अभी जो मैं अपडेटेड करा रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है तो 2016 में, जबकि छत्तीसगढ़ में आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई क्षमता लगभग 36% है, कितना है, 36%। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उपज मंडियों की और उप मंडियों की संख्या आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, तो ये मंडी का आपका आ जाएगा 69 और उप मंडी का आ जाएगा 118। इस टॉपिक को अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य के कुल कितने विकासखंड भूजल की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र में आते हैं, तो 122। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो परियोजना है, केलो परियोजना कौन से जिले से लाभान्वित है, तो जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले से। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनों का जो क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 44.02%। ये आपका 2019 के सर्वे के अनुसार, 2019 के सर्वे के अनुसार है, जबकि इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप 44.02% लगाएंगे तो अभी आकर वर्तमान में तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका है आपका छत्तीसगढ़ में वनों का जो क्षेत्रफल है, यह आपका अगर 2021 के आंकड़े के सर्वे के अनुसार पूछा जाए तो इसको नोट कर लीजिएगा, 41.21%। ठीक है, इतना आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इसको नोट्स में बताऊंगा, आप लोग साथ में कॉपी रखिएगा, अपडेट कर दिएगा। अगर आप 44.02% रखेंगे तो आपको एग्जाम में गलत हो जाएगा। ये भी चेंज हुआ है, राज्य में कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, तो 59,772 है आपके 2019 के सर्वे के अनुसार, जबकि आपका अभी अभी हो चुका है आपका 55,000। एक मिनट ना, एक मिनट आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक मिनट थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। हाँ, ये आपका आ जाएगा 55,717 किलोमीटर, इसको याद रख, नोट कर लीजिएगा, 55,717 किलोमीटर 2021 के आंकड़ों के अनुसार, इसको याद कर लीजिएगा ना, 2021 के आंकड़ों के अनुसार, ये जो अभी आंकड़ा हुआ है 2019 के अनुसार नहीं पूछेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये वाला टिक लगा कहेंगे तो आपको गलत, ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, ऑप्शन में इन दोनों को दिया रहेगा, लेकिन आपको ये वाला लगाना है, ये वाला नहीं लगाना है। अगर करेक्टली आंकड़ा पूछा जाए 2021 के सर्वे आप रिपोर्ट के अनुसार, तो ये आपका आएगा 55,717 किलोमीटर, और इसका होगा अगर जनसंख्या पूछा जाएगा 1,35,192 डाल, 91 नहीं डालना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1,35,194 दे दिया जाता है, 1,35,194 दिया जाता है, जबकि इसको अपडेट कर लीजिएगा, 1,35,192, इसको नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, ये भी आपको अब मैं अपडेट कराऊंगा, अभी इसको ध्यान से समझिएगा। और एक मानक बोरा में कुल कितने तेंदू पत्ता होती है? तो 50,000। इसको याद, बहुत लोग बच्चे बोलते हैं इसको गड़बड़ करके आ जाते हैं, ये 4,000 नहीं होगा ना। क्या पूछा गया है? एक मानक बोरा में कुल कितने पत्तियों की होती है, मतलब एक जो बोरा होता है तेंदू पत्ता का, उसमें कितना होती है पत्तियां? तो 50,000 बताएंगे। ठीक है, कितना बताएंगे? 50,000 बताएंगे। जबकि अगर एक मानक बोरा प्रति पूछा जाए तो आप बताएंगे 4,000 रुपये। कितने बताएंगे? 4,000 रुपये प्रति अगर पूछा जाए तब की बात। अब यहां पर एक मानक बोरा पूछा गया है, तेंदू पत्ता की संख्या पूछा गया है, तो 50,000 ही आएगा ना। जो लेते हैं वो आपका होगा 4,000 रुपये में। कितने में? 4,000 रुपये में। ठीक है, तो जो जो मैं बता रहा हूं उसको अपडेट करते चलिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के खनिज से संबंधित देखते हैं, फिर आपको मैं पूरा अपडेटेड आपको बताने वाला हूँ, नोट करते चलिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज के दोहन में, राजस्व जो उत्पादन है तो 27% अभी है, इसको याद रखना, 27%। ठीक है, और सबसे ज्यादा उत्पादन में पूछा जाए तो आप बताएंगे टीन, टीन अयस्क, उसके बाद कोयला। ठीक है, अब क्रमवार भी पूछा जाता है आपको, मैं बताऊंगा पूरा, अभी आर्थिक सर्वेक्षण चल रहा है ना, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद टीन, कोयला, लौह अयस्क, इसके बाद आपका बॉक्साइट, डोलेमाइट, इस प्रकार का क्रम वाइज रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में उत्पादन पूछेगा या फिर जो भी पूछेगा, आपका पहला ही है टीन अयस्क का। अगर टीन आपका नहीं देता एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप कोयला लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक याद रखना। अब बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितने जिलों में खनिज संसार किया गया है, तो 28 जिलों में, और वर्तमान में भी कितने जिले हैं? 33 जिला है। कितने जिले हैं? 33वां, वो आपका है शक्ति। कौन सा है? शक्ति। जबकि 2021 में, ठीक है, 2021 में आपका, यहाँ पर कमेंट ना कीजिएगा, 2021 में आपका पूछा गया था सर्वे, मतलब जो अभी लागू हुआ था, तो चार, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये वाला आप सभी पढ़े हैं ना, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, 33 जिलों के अनुसार वो डिस्क्रिप्शन के नीचे नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए नोट करते चलेगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला भी यहाँ से देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामों की कुल संख्या, ये भी आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ से इसको नोट करते चलिएगा, छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीकरण का प्रतिशत है आपका 23.24%, जबकि छत्तीसगढ़ 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कितनी है, तो 59.36 लाख। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पहले कितना दिया जाता था? 25,000 रुपया दिया जा रहा था। कितना दिया जा रहा था? 25,000 रुपया दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है कन्या विवाह योजना की सहायता राशि। अगर आप अपडेट नहीं करते तो आप जानो, आपका काम जाने। और छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, ये तो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछता है, हर एग्जाम में आपका पूछता है, छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति का संबंध कितने वर्ष से है, तो 2019 से 24 तक, और कितने में दिया जाता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, एक मिनट ना, आपको बता रहा हूँ, इसको याद रखना यहाँ से, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से, तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है, तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक पुरस्कार जो है पांच क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? पांच क्षेत्र में दिया जाता है, और यह आपका 2019 से 24 तक आपकी नई औद्योगिक नीति का संबंध है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, यहां से इतना आप लोग पढ़ लिए,
दो से तीन नंबर कहीं नहीं जाने वाला। वीडियो को एक से दो बार जरूर देखना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है, या फिर आप इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको 93 99 27 87 82, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कि सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए करके। अगर साथ साथ आप पीडीएफ के साथ साथ वीडियो को देखोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यदि आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको अच्छा लगता है तो अपनी दोस्तों को शेयर जरूर करना, फेसबुक व्हाट्सएप शेयर नीचे आप कमेंट करना, थैंक यू। तो चलिए यहाँ तक का हमारा काम खत्म, लेकिन आप कॉपी रखिएगा साथ में बगल में, ठीक है। अब आपको मैं नोट कराते चलूंगा। है ना, तो चलिए नोट करते चलेगा, आप जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। साथ में कॉपी रखते चलिएगा, मैं आपको नोट कराने वाला हूं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, ठीक है, नोट करते चलेगा, एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। छत्तीसगढ़ में आपका 2023-24, ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, नोट करते चलिएगा, स्थिर भाव में, GSDP, ठीक है, स्थिर भाव में अभी हम पढ़ने वाले हैं, नोट करते चलिएगा अगर साथ में कॉपी रख लिए हैं तो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। अगर आप नोट नहीं करते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर नोट करते चलिएगा, आपकी मर्जी, आपकी जैसी इच्छा, है ना। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा और साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2000 स्थिर में, ठीक है, यानी कि 2012 से, अगर एग्जाम इस प्रकार पूछता है 2012-13 से 2023-24 में अगर मैं पूछ लिया, है ना, 23-24 में आपको पूछता हूं कि, सॉरी 2022-23 ना, एक मिनट, इसको ये आपका, यहाँ से देखिएगा 2012 है ना, ये आपका 2012-13 से 2022-23 में आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद को नोट करते चलिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। तो चलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर भाव पर, ठीक है, यहाँ आप नोट करते चलिएगा, स्थिर भाव, ठीक है, स्थिर भाव पर, स्थिर भाव पर नोट करते चलेंगे, सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक वृद्धि दर, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाए तो आप बताइएगा 2016-17 में, 2000, हाँ कितना है, 2016-17 में सर्वाधिक वृद्धि दर, जबकि इसका प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत याद रखना 12.13%, 12.13% सर्वाधिक वृद्धि दर में, इसको यहां तक नोट कर लीजिएगा। सेकंड है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर भाव पर निम्नतम वृद्धि दर पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर, ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर पूछा जाए तो आप बताएंगे 2020-21 में कितना प्रतिशत, -1.80%, यहां तक नोट कर लिए। तीसरा पॉइंट यहां पर याद रखना, तीसरा पॉइंट ना,
तीसरा पॉइंट याद रखना कि औसत वृद्धि दर पूछा जाए, तो औसत वृद्धि दर कैसा पूछा जाएगा, तो यहां पर समझिएगा औसत वृद्धि दर आपका पूछा जाएगा 2012 13 से लगभग, ठीक है, 2012 13 से लगभग आपका पूछा जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2012 13 से लगभग आपका 2022 23 में, ठीक है, औसत वृद्धि दर, औसत है ना, औसत वृद्धि दर, लाइट बंद हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्लास कराते रहेंगे। औसत वृद्धि दर पूछा जाएगा तो 5.73%, नोट कर लीजिएगा, 5.73%। यहां तक आप लोग नोट कर लिए क्या, यहां तक आप लोग नोट कर लिए क्या, बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहां से, इसके बाद है सेकंड, छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग में समूहवार पूछा जाएगा, ठीक है, संभावित भागीदारी और प्रतिशत भागीदारी, तो नोट करते चलेगा, मैं आपको पूरा अच्छा से क्लियर समझाऊंगा, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में समूह में, इसको मैं नोट करते चले हूं, इसको नोट करना, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य समूह में प्रतिशत भागीदारी यहां से 2023 के अपडेट से, ठीक है, तो चलिए नोट करते चलिएगा। यहां पर पहला तो ये आपका रहेगा, क्षेत्र रहेगा आपका ये क्षेत्र, इसके बाद आपका आ जाएगा संभावित भागीदारी, भागीदारी प्रतिशत, ठीक है, भागीदारी प्रतिशत, और यहां पर संभावित वृद्धि दर प्रतिशत, क्या आएगा, वृद्धि दर प्रतिशत किसके लिए, तो यहां पर नोट करना जो मैं बता रहा हूं, तो यहां पर नोट करना कृषि के लिए, कृषि, दूसरा है आपका उद्योग, ये आपका आ जाएगा उद्योग, इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका सेवा, क्या पूछता है, सेवा, ठीक है, कृषि उद्योग सेवा, तो भागीदारी पूछा जाएगा, तो नोट करते चलेगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा, यहां से कृषि के लिए अगर पूछा जाए, ठीक है, कृषि के लिए पूछा जाए तो 16.91, कितना, 16.91% भागीदारी में समूह अगर पूछा जाए, तब उद्योग का पूछा जाए तो आप बताना 49.88, 49.88, ठीक है, इसको एक मिनट ना यहाँ से थोड़ा रेजर कर देता हूँ, आपको अच्छा से समझ में आए, एक मिनट थोड़ा सा अपडेट कर लूँ। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको अपडेट कर लीजिएगा ना, एक मिनट, चलिए यहाँ अपडेट कर लीजिएगा, 49.88%, ठीक है, अगर सेवा के लिए पूछा जाए, अगर सेवा के लिए पूछा जाए तो आप नोट करना 33.21%, ठीक है, अगर वृद्धि दर पूछा जाए तब, अगर यहाँ से आपको वृद्धि दर पूछा जाता है, ठीक है, वृद्धि दर पूछा जाता है तो 5.93, इसके बाद आपका उद्योग के लिए पूछा जाएगा तो आपका 7.83, और सेवा के लिए पूछा जाएगा तो 9.21, ठीक है, ये आपका हो गया वृद्धि दर, ये आपका भागीदारी प्रतिशत, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग समूहवार स्थिर भाव के लिए, कौन से लिए, स्थिर, एक मिनट ना, यहाँ काम नहीं कर रहा है पेन, स्थिर भाव
लिए समूह भागीदारी। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद यहां से नोट करना, आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में संभावित क्षेत्रफल क्या याद रखना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में आपका संभावित वृद्धि दर, क्षेत्रफल में संभावित वृद्धि दर। ठीक है, वृद्धि दर, तो चलिए नोट करते चलिएगा यहां पर किसके लिए। तो सबसे पहले सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा जाए तो 2012-13 से 2022-23 में, है ना, 2000, ये थोड़ा सा इसको अपडेट करने दो। ठीक है, चलिए लाइट भी आ चुकी है और कलर मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए, तो ये आपका आ जाएगा 2012 से, 2012-13 से अपडेट है 2022-23 में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कृषि, किसके लिए आ जाएगा, कृषि। ठीक है, कृषि के लिए नोट करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा उद्योग। ठीक है, आपका आ जाएगा उद्योग, इसके बाद आ जाएगा सेवा। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिएगा, अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रफल में संभावित वृद्धि दर पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा तुलनात्मक 5.3 है, कितना, 5.31% क्षेत्र में, जबकि उद्योग के लिए पूछा जाएगा तो 6.34। ठीक है, सेवा के लिए पूछा जाएगा तो 5.5% आपका आ जाएगा 37। अगर यहाँ से आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर कुल कर राजस्व में पूछा जाए, ठीक है, कुल कर राजस्व में, कुल कर राजस्व में पूछा जाएगा तब की बात, ठीक है, तब की बात आपका रहेगा 7.55%। ठीक है, चाहे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सिंचित सिंचाई क्षमता यानी कि कुल सिंचाई क्षमता 2022 में पूछेगा सिंचाई से संबंधित, ठीक है, सिंचाई से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, यहां पर कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ नहीं है, है ना, तो सिंचाई क्षमता से पूछे जाएगा तो आप बताइएगा, सिंचाई क्षमता में आपका रहेगा 21.47, 21.47 हेक्टेयर। ठीक है, 21.47 हेक्टेयर, यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा क्या। चलिए अब मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं इसको, फिर नोट करते चलिएगा जो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से फिर स्टार्ट करते हैं, यहां से पहला पॉइंट,
आपका आ जाएगा यहाँ पर राजस्व घाटा कितना है, 701.64 राजस्व घाटा नोट कीजिएगा, राजस्व घाटा सात सौ एक दशमलव 55 सॉरी 64%, ये आप याद रखिए ठीक है। और एक मिनट ना इसको याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार इसमें सबसे जनसंख्या जो घनत्व है आपका सबसे कम पूछा जाएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार, एक मिनट ना, 2011 के जनगणना के अनुसार आपका पूछा जाए प्रतिशत में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम आपका आ जाएगा बीजापुर ठीक है, जनसंख्या घनत्व में। बाकी आपका रहेगा सुकमा, बाकी आपका रहेगा सुकमा, और सबसे वृद्धि आपका रहेगा बिलासपुर ठीक है। आपका आ जाएगा फिर रायपुर और दुर्ग, जो सबसे साक्षरता दर में सबसे अधिक है आपका दुर्ग जिला, उसके बाद रायपुर बिलासपुर ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका रहेगा जो कि सिंचाई क्षमता के आस पास बैंकिंग के लिए भी हो गया आपका, तो यहाँ तक आपको एग्जाम में पूछते हैं। जबकि शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए उचित दर मूल्यांकन, उचित दर मूल्य दुकान का, तो आप बताएंगे 16.78, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आपका उचित दर का मूल्य आपका रहेगा 11.829%, यानी कि इतना आपका 2022 की स्थिति में ठीक है। और एक और अपडेट है, इसको नोट कर लीजिएगा, 2022-23 में यहाँ पर नोट करते चलिएगा कि छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति में, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व प्राप्ति में, कुल राजस्व प्राप्ति में आपका आएगा 2022-23 की स्थिति में अभी जो है बढ़ चुका है। पहले कितना था आपका, 61.05% था, वो अब बढ़कर आपका हो चुकी है 63.79% ठीक है। तो इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आगे और भी क्लास करना चाहते हैं, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी के लिए विदा लेते हैं, कल की क्लास आएंगे हम आप सभी के लिए बेहतर क्लास लेकर जरूर। धन्यवाद।